क्या है भाई? मैं नू कह रहा था, फांसी बचा लियो बस, मर के जेल जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए माता जी, मैं आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकता, पर उसके कातिल को फांसी की सजा जरूर दिलवा सकता हूँ। अरे वो क्या कह रहा है? अरे मैंने बोला ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे तेरी कोशिश, यो चुदवा के मानेगा? मैंने घर के सही कह रहे थे, सस्ते के चक्कर में मत पड़े, तो फर्जी वकील क्या केस लड़ेगा? तो बकवास करी ना, खुद लड़ने में लगे। अरे मर्डर करना आता ही है तो करते क्यों? सारे सबूत, सारे गवाह सब खुले छोड़ के आया। फांसी से बचवा लो इनको। सिट डाउन। क्या है आज का? बताओ यार, लड़की के चक्कर में अपने ही दोस्त को मार दिया। देखिए माता जी, ये इंडिया का यंगेस्ट जज है, फांसी देने में 2 सेकंड नहीं लगाता। ऐसो को तो बिना कार्रवाई के ही फांसी दे देनी चाहिए। ले तू दे ले जजमेंट। सॉरी सर। तू पढ़ ले फैसला। सॉरी सर। एडवोकेट यादव। जी जनाब। एडवोकेट मिश्रा। यस सर। धर्मेंद्र सैनी। हाँ जी। 12th B मेरठ पब्लिक स्कूल। हाँ। अबे धर्म पहचाना नहीं क्या? अबे शिवम शर्मा। अबे शर्मे तू। अबे कैसा है भाई, इतने दिनों बाद यार। लास्ट शायद बर्थडे पे मिले थे मेरे 12th के बाद, पता नहीं कहाँ गायब हो गया उसके बाद। पापा का ट्रांसफर हो गया था। निक्की याद है मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ वो वाइफ हो गई तेरे भाई की। अब रुक, वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ। माजी माजी, देखिए सुनिए, आप मेरी बात। आए कोर्ट में पता कौन मिला आज? देख 12th बी वाला धर्म। देखिए दोस्ती अपनी जगह और न्याय अपनी जगह, आपके बेटे के कातिल को फांसी जरूर होगी। फांसी? पागल है क्या भाई बेटा? यार मैं देखूं कौन है। हाँ जी, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 2 अक्टूबर की सुबह धर्मेंद्र सैनी को। एक सेकंड, तुझे किसने बोला बोलने को? योर ऑनर, मैं ये नीचे बैठ, जब मैं बोलूंगा तब बोलोगे जनाब। मैं तो हाँ जी। यादव जी शुरू करो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वे 2 अक्टूबर को परवीन का कत्ल कैसे कर सकते हैं जबकि उस रात वो दिल्ली में थे ही नहीं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। नीचे बैठ। हाँ जी, कहाँ थे आपके क्लाइंट? 2 अक्टूबर को मेरे क्लाइंट पंजिम गए थे स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग अटेंड करने। वहीं पे वो एक लॉज में रुके, पास वाले होटल से उन्होंने पावभाजी खाई और 3 तारीख को उन्होंने पिक्चर देखी। साहब ये भरी अदालत में दृश्यम की कहानी सुना रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे? कहता हूं, ओवररूल्ड। नीचे बैठ। जनाब ये रहे सारे सबूत उनके 2 तारीख को पंजिम में होने के। योर ऑनर, आप खुद सोचिए कि एक बंदा अपने ही बेस्ट फ्रेंड का कत्ल कैसे कर सकता है। वैलिड पॉइंट, ये है वैलिड पॉइंट, मेन बात है ये, एक दोस्त, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई। हाँ मिश्रा जी, अब शुरू करो। सर इस फिल्मी कहानी को मैं 2 सेकंड में खत्म कर देता हूं। योर ऑनर, मौका वारदात से हमें ये चाकू और धर्मेंद्र सैनी का ये वॉलेट मिला। इसी चाकू से प्रवीण का कत्ल हुआ है और इस पे धर्मेंद्र सैनी की उंगलियों के निशान भी हैं। इससे साफ साबित होता है मिलॉर्ड कि यादव जी ने कोर्ट में जो कहानी सुनाई, जो सबूत पेश किए, वो सरासर झूठे हैं। इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर धर्मेंद्र सैनी। मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी, लाओ वो फिंगरप्रिंट। क्या दिखा रहे थे, किसके फिंगरप्रिंट है? नहीं नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं जनाब, कुछ है ही नहीं।
ऐसा है, अदालत का टाइम खराब करने की तो सोचना मत। अब इस वॉलेट के बेसिस पे तो हम किसी को फांसी दे नहीं सकते। कोई पुख्ता सबूत हो, गवाह हो तो पेश करो। सर मैं आपकी इजाजत से सैंडी सिंह को कटघरे में पेश करना चाहूंगा। हाँ इजाजत है। सैंडी सिंह हाजिर हो। मैं थप्पड़ खींच दूंगा तेरे, पागल है तू। और बैंचो क्या हाल है? तो सैंडी भाई बताइए अदालत को, 2 अक्टूबर की सुबह आपने ऐसा क्या देखा? 2 अक्टूबर की सुबह रेशमा अपने कपड़े पहन के घर वापस जा रही थी। वो सब देख, बैल्कनी में खड़े होकर क्या देखा वो बताइए। ओ बालकनी में हाँ। मैं चाय पी रहा था वैंचो। और अबे तुम जाहिल हो क्या? मैं कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है, गाली बकरो यहाँ खड़े होके। अरे सर ये गाली नहीं है वैंचो, ये तो दिल्ली वालों का प्यार है। दिल्ली से है वैंचो। 200-250 साल के लिए अंदर करवा दूंगा, तमीज में खड़ा हो जा कायदे में। उतार ये टोपी ओपी। अरे सर क्लच कर रहे हो वैंचो। लो दादाजी निपट गए थे वैंचो, तो इस चक्कर में टोपी फैली वैंचो। अच्छा ठीक है बताओ क्या बता रहे थे बालकनी में क्या? हाँ दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस ने जम के लट बरसाया। ये तो लट तोड़ रही है पुलिस, आज कुछ हो जाए घर के बाहर नहीं जाएंगे। और भाई भाटिया क्या हाल है? गाली बके बता दे क्या हाल है। अरे सैंडी भाई कैसे हो? आए फुल पैसा आ रहा है, नई गाड़ी है। अरे कहाँ यार? अरे कहीं डाका वाका मार लिया है क्या? अरे नहीं नहीं ये तो ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप का कमाल है। ओक्टा एफएक्स? सर ये फालतू में पता नहीं क्या बात करी जा रही। नहीं आपको नहीं पता? नहीं। अरे इनको तो अभी बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर एशिया 2019 का अवार्ड भी मिला है। फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज जैसा है क्या? सर मैं कह रहा हूँ। अरे क्या आग लग गए चूतड़ों में, होश ले ले, बातचीत बंद ले ले। करेंसी एक्सचेंज जैसा है क्या? मैं नहीं नहीं स्टॉक ट्रेडिंग जैसा ही है, पर ओक्टा एफएक्स में आप $20 से स्टार्ट कर सकते हो। ये कैसे काम करता है? कैसे काम करता है ये? सिंपल है, जब रेट लो हो तो खरीद लो और जब हाई हो तो बेच दो। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, प्रैक्टिस करने में, पर एक बार आ गया ना तो अंधा पैसा कमाओगे। ये देखो मेरी 1 वीक की इनकम। अरे इसे तो अभी डाउनलोड करता हूँ। और हाँ डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लेना और प्रोमो कोड में स्वैगर डाल देना, पहला डिपॉजिट डबल हो जाएगा। अभी कर देते हैं। अरे मिश्रा जी कैसे मुंह फुला के बैठ गए? निकल लो कर लो कर लो बिजनेस पैसा कमाओ, किसी का मर्डर हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो ऐसा है तुम्हें यार रूठने मनाने के लिए नहीं बैठे हुए हम, शांति से केस लड़ो अगर लड़ना है तो। सुनो मिस्टर बिजनेसमैन, सिर्फ कत्ल से रिलेटेड क्या हुआ वो बताओ। मैंने देखा कि आदमपुर बिल्डिंग के गेट के अंदर घुसा वैंचो, फिर उसके थोड़ी देर बाद फर्स्ट फ्लोर से चीख के चिल्लाने की आवाज आई, फिर उसके बाद ये आदमी बिल्डिंग के गेट से निकल के एकदम भागा वैंचो। तुमने जाके फर्स्ट फ्लोर पे क्यों नहीं देखा क्या हो रहा है? सैंडी पड़ी लकड़ी कभी अंदर नहीं लेता वैंचो। सुना आपने मेरे लॉर्ड, सारा केस बिल्कुल साफ है कि 2 अक्टूबर की सुबह धर्मेंद्र सानी को पता लगा कि उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड प्रवीण के साथ उन पर चीट कर रही है और इसी में उन्होंने अपना आपा खोया और प्रवीण का कत्ल कर दिया। खून होते हुए नहीं देखा ना यार इसने, ये कहानी इसने खुद बनाई है। खून होते हुए देखा इसने नहीं, कुछ ठोस सबूत हो तो ठोस सबूत, कोई गवाह ठोस हो तो वो लेके आओ यार। ठीक है आपकी इजाजत है मैं मिस आकांक्षा सिंह को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है आकांक्षा सिंह। मैम दिख नहीं रही खड़ी है वो, पहले कान फाड़ रहा है। हाँ तो मिस आकांक्षा सिंह कोर्ट को सच्चाई बताइए। मैं और धर्म पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, पर धर्म का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होने के कारण वो अक्सर बाहर रहते थे। उसी दौरान मेरी मुलाकात उनके बेस्ट फ्रेंड प्रवीण से हुई। टाइम के साथ हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया, पर धर्म को शक होने लगा था। एंड धर्म के बर्थडे पार्टी पे आई एंड प्रवीण हैड अ मोमेंट। आगे बताइए स्किप करिए इस पार्ट को, आगे बताइए फिर क्या हुआ। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, मैं धर्म को सब कुछ बताना चाहती थी, पर मेरे बताने से पहले ही 2 अक्टूबर की सुबह
आकांक्षा धर्म में वॉशरूम में हूँ, नाश्ता किचन में रखा है, वहां से ले लो। साले प्रवीण हरामखोर, तू मेरे पीछे से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। भाई भाई मेरे बात सुन, मैं तुझे बताने नहीं वाला। तू क्या बताएगा साले, मैं बताता हूँ तुझे आके। और फिर 2 अक्टूबर की सुबह प्रवीण की लाश उसी के घर से मिली। तो देखा मैं मिलोल, सारा जो केस है वो हमारी आंखों के सामने है। जी। तो जैसे मैं कह रहा था, देखा आपने मिलोर्ड, सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। नहीं, जो बंदी अपने बंदे की सगी नहीं हुई उसको क्रेडिबल विटनेस नहीं मान सकते यार। इनकी गवाही खारिज करनी पड़ेगी यार, ये क्रेडिबल विटनेस नहीं है। सॉरी, कुछ ठोस सबूत चाहिए, कुछ ठोस सबूत मिश्रा जी, ठोस। पुख्ता सबूत चाहिए आपको। अब मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूँ जिससे केस बिल्कुल साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या क्या चीज, मैं एक अलग से दिखाऊं मुझे? नहीं 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 नहीं, सबके सामने दिखाऊंगा, तुमने मजबूर किया मुझे ये दिखाने के लिए। क्या चीज क्या है? सीसीटीवी है, कत्ल का सीसीटीवी फुटेज। देखो किस्मत देखो तुम्हारी, 2 दिन से टीवी खराब पड़ा है। अगर टीवी खराब ना होता तो आज ही फैसला हो जाता। कोई नहीं, मैं 2-4 दिन की बात की डेट देता हूँ, टीवी रिपेयर हो जाएगा तब तक। नहीं सर, सुबह रिपेयर करवा दिया था मैंने। तू मर जाएगा मेरे हाथ से। तू देखो मिश्रा जी, कोर्ट की गरिमा में बनाए रख के कानून को हाथ में नहीं ले सकते हम माता जी। मुझे लगता नहीं कि अब और किसी सबूत की जरूरत है। देखो यार मिश्रा जी, सबूत तो तुम्हारा था, मतलब अच्छा था, पर देखो खून तो इसमें भी मतलब होते हुए नहीं दिखा। अबे तुम्हें जज किसने बनाया यार? साले जज से बदतमीजी कर रहे हैं। काय की बदतमीजी, सारे सबूत सारे गवाह चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि खून धर्म ने कांड ने किया और तुम अपनी धुन में लगे हो यार। टोन नीचे कर लो, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे तुम्हारा। अबे टोन की ऐसी की तैसी। मिश्रा बेटा गया 3 महीने के लिए, तुम्हारा लाइसेंस घर बैठो अपने। भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। 6 महीना बेटा मिश्रा चुप हो जाओ, बता तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का तलाक। 9 महीना मिश्रा बेटा एक शब्द और बोले हमारी हमारी बीवी के बारे में तो काला कोट सिर्फ शादी में हमें पहनते दिखाई दोगे, कसम बता रहे करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। अरे माता जी, 9 महीने का लाइसेंस कैंसिल हो गया। चुप हो जाओ 2 मिनट, चुप हो जाओ। देखो मिश्रा, कुछ भी करो बीवी से मजाक नहीं, बीवी को बीच में मत लेके आना कभी दोबारा। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ऐसे नकली गवाह और इस एक वॉलेट को सबूत मान के
धर्मेंद्र सैनी को फांसी देना बहुत ही अन्याय होगा, लिहाजा ये अदालत सब कुछ छोड़ के जाने से क्या होगा। देख मैं क्या कह रही हूँ, उसको ना सब कुछ सच सच बता देते। I'm sure he will understand. अरे कौन क्या अंडरस्टैंड कर रहा है। अच्छा चल मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय। किसका कॉल था? वो ना मेरी फ्रेंड का कॉल था। अच्छा। उसकी ना एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन? वो ना अपने ही बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ उस पर चीट कर रही है, तो मैंने उसे बोला कि ना उसको सब कुछ सच सच बता दे। आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। घंटा अंडरस्टैंड, दोनों को जिंदा काट देगा। कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में, मतलब अपने ही बंदे के बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रही है उस पे। तू क्यों हाइपर हो रहा है, उनकी सिचुएशन है वो संभाले। एंड धर्म के बर्थडे पार्टी पे आई एंड प्रवीण हैड अ मोमेंट। निक्की भाई, निक्की को देखा है क्या? एक काम बताए क्या? अरे बर्थडे के दिन तो इज्जत कर लो यार। निक्की वाइफ हो गई तेरे भाई की, अब रुक वीडियो कॉल पे बात कराता हूं। हाय, कोर्ट में पता कौन मिला आज? देख निक्की को देखा है क्या? निक्की धर्म, निक्की को देखा है क्या? कहीं मिले तो बोलियो, मैं ढूंढ रहा था। निक्की अरे निक्की यार, मैं तेरे को ढूंढ रहा था, कहां पे थी? मैं तो यहीं पे थी। लिहाजा ये अदालत धर्मेंद्र सैनी को प्रवीण रंजन के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए दफा 320 के तहत फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। अर्जेंट। हे गाइस, व्हाट इज अप? ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नहीं करा है तो यहाँ पे कहीं पे IIT वाली गर्लफ्रेंड पार्ट 2 वेब सीरीज का पूरा एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा, अगर वो नहीं देखी है तो वो देखो। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए नए बेहतरीन कॉमेडी कॉन्टेंट के साथ। ठीक है।